जेएनयू के टुकड़े गैंग का कप्तान यूनिवर्सिटी से आउट हो गया है। हैरानी की बात यह है कि उसे देश की सबसे पुरानी पार्टी का समर्थन मिला है। जेएनयू से उमर खालिद का निष्कासन और कन्हैया कुमार पर 10,000 का जुर्माना बरकरार रहेगा। जेएनयू के जांच पैनल के फैसले को एपिलेट ने सही माना। कल आए इस फैसले पर कांग्रेस, आरजेडी और एनसीपी ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। 2 साल पहले अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी। कांग्रेस का साथ देते हुए एनसीपी ने कहा कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा ही गलत है। जेएनयू की जो इंटरनल कमेटी है वो तो किसके इशारे पर बनी, तो उसकी रिपोर्ट कितनी सही ये देखना होगा। देखिए, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को सोचना चाहिए कि ये जो है वो इनकी जो एक ऐसी मानसिकता है जो मानसिकता की बिखराव टकराव पैदा करने की कोशिश करती है, वो खुद टुकड़े टुकड़े हो रही है। चाहे कन्हैया हो या खालिद हो, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ही गलत था। जेएनयू का ये पैनल कौन सा है, वीसी कौन है? वही जगदीश बाबू, वही वीसी, वही नियामक, वही प्रक्रिया, और आपने एक कमेटी बिठा दी और कह दिया कि आप अपहोल्ड किया।